हेलो गाइस, आज ना मैं आपको एक लव स्टोरी के बारे में बताऊंगी जो कि सुन के आप सच में रोने लगोगे। जैसे मैंने ये स्टोरी सुनी है ना, खाना नहीं खाया और आप लोगों को यकीन नहीं आने का, मुझे पता है। लेकिन एक गारंटी मैं ले रही हूँ, अगर आप इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू ना आ जाना तब कहना, ठीक है? चलो इस स्टोरी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है? उनका मैसेज आया मुझको इंस्टाग्राम पे, तो वो कहने लगे, दीदी प्लीज़ मेरी स्टोरी के बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाना, लेकिन मेरा नाम, मतलब नाम मत लेना। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताओ। उसने बताया कि एक दिन मेरी एक लड़की से बातें हुई फेसबुक पे, एक दिन मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उसके बाद उसने एक्सेप्ट कर ली, फिर मैसेज पे बातचीत होने लगी हम दोनों की। फिर एक दिन हमने मिलने का प्लान बनाया, हम मिल लिए। फिर उसके बाद प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगा हम दोनों का, धीरे धीरे और ज़्यादा। लेकिन उस बीच में पता नहीं क्या, उसका कुछ जॉब का था तो वहाँ से उसका फ़ोन आया, तो वो बोलने लगी मुझे कि अब मुझे जॉब के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कॉल्स आ गए वहाँ से। तो वो लड़का कहने लगा ठीक है जाओ। तो वो लड़का कहने लगा कि पता नहीं उस दिन से ही पता ना अचानक से जैसे वो वहाँ पे गई, जैसे हम नई जगह जाते हैं तो दिमाग चेंज होने लगता है, तो उस लड़की का ना दिमाग चेंज होने लगा, मतलब वो प्यार व्यार को भूलने लगी वहाँ पे जाके। फिर कहने लगा लड़का कि यार अब तो तुम मुझे कॉल भी नहीं कर रहे हो जब से वहाँ पे गए हो, बदल से गए हो। लड़की कहने लगी नहीं यार, वो मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ और टाइम नहीं मिल पाता। लड़का कहने लगा चलो कोई नहीं। वो लड़का, मतलब उस लड़के को इतना महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं अब बदलने लगी है। फिर वो लड़की बहाने बनाती थी उससे कि मैं बात नहीं कर सकती, बिजी हूँ, जबकि वो लड़का ये कह रहा था कि मुझे सब पता था कि वो कहाँ पे बिजी है, उसको नए नए दोस्त मिल रहे थे वहाँ पे, मेरे लिए टाइम ना था इसलिए वो बिजी थी। लेकिन वो लड़का कहने लगा इस बीच में पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मम्मी पापा मुझे हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद डॉक्टर ने मेरे बारे में कुछ ऐसा बताया कि सुनकर मुझे एक और, मतलब दिल टूटने का तो मुझे पहले से था लेकिन एक और झटका और लग गया। डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर है, ये 3 साल जिएगा, इसको जितनी खुशी हो उतनी दे सको। फिर उसके बाद आ गया मैं हॉस्पिटल से, रोना आता है सच में सुन के। फिर बोलने लगा कि मैं आ गया, फिर मैंने उसको कॉल की, नहीं उठाई उसने। फिर आई उसकी, मतलब थोड़ी देर बाद कॉल, कहने लगी हाँ बोलो। मैंने उसको बताया यार मैं अब 3 साल ही जी सकता हूँ। वो बोलने लगी वो कैसे जी सकते हो, कहने लगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हो कि 3 साल जियोगे आप, कहने लगा, रोने लगा वो, कहने लगा कि मुझे कैंसर है इसलिए। तो वो लड़की हंसने लगी, ये कह रहा कि इसने मेरी मजाक से बना ली कि अरे अब तो 3 साल जियोगे, अब तो तुमको कैंसर है तो मुझे कोई और ढूंढना पड़ेगा। बोलने लगा कि यार तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मतलब एक तो मुझे इतनी बड़ी बीमारी है और मैं इस दुनिया में ज़्यादा दिन जी भी नहीं सकता, ऊपर से तुम मेरा मजाक बना रही हो और मुझे ये सुना रही हो कि अब तो मुझे कोई और मिलेगा, किसी और को अपना बनाना पड़ेगा। तो वो लड़की कहने लगी कि अब और क्या, सही तो बोल रही हो। तो वो कह रहा था लड़का कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, मतलब ज़्यादा, अब फर्क तो तभी पड़ता ना जब सच्चा प्यार होता, उसे तो फर्क पड़ता है ना जिस सच्चा प्यार होता है, जिस सच्चा प्यार ही नहीं हो उसको फर्क ही क्या पड़ेगा। तो वो लड़का कह रहा कि मैं हर दिन घूटता था, मेरी खुशी सिर्फ उस लड़के में थी और कुछ नहीं था सच में, मैं उससे इतना प्यार करता था कि उसी में मेरी खुशी थी और अब मैं ज़्यादा दिन जी भी नहीं सकता। अभी अभी भी वो अभी जिंदा है, मतलब उसकी ये कहानी है ज़्यादा दिन, 1 साल की। तो उसने, मैं उसको समझा रही थी कि प्लीज़ आप खुश रहो, वो जिसको आपको
प्यार ही नहीं हो, जो आपसे प्यार ही नहीं करता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप उसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? मम्मी पापा हैं, उनके साथ रहो, खुश रहो। वो लड़का रो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया, सच में इतना रो रहा था, क्या बताऊँ मैं। कह रहा था उस लड़की ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं उसे गिफ्ट देता था और मैं उसे हर चीज़ करता था, और उसने उतने दिन से मेरा मतलब इस्तेमाल किया, मेरे दिल से खेली, और आज जब मैंने उसको बोला ना कि मुझे कैंसर है, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। यही प्यार होता है क्या? इंसान ना, सच में इंसान इतना वफादार नहीं होता जिससे अच्छा तो किसी जानवर से प्यार कर लो ना, वो बेहतर है। मैं तो कहती हूँ प्यार व्यार सब बेकार ही होता है। तो मैं उस लड़के को बस इतना ही समझा रही हूँ, और इतना बोल रही हूँ, भैया तुम मुझे पता है वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मैंने वीडियो का लिंक आपको भेज दिया था, प्लीज़ आप खुश रहो, मम्मी पापा हैं, हम हैं आपके साथ। और प्लीज़ गाइस, इनके लिए प्लीज़ एक एक कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है? और उस लड़की को ना आपके जाने के बाद पता चलेगा कि उसने क्या खोया था। लेकिन ऐसे इंसानों को सच में फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे क्योंकि उन्हें तो नए नए मिल जाते हैं ना, आज ये कल वो, कल कोई और। ऐसे इंसान ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहते। लेकिन भैया आप खुश रहो। और अभी तो आपकी दवाइयाँ भी चल रही है, क्या पता आप ठीक हो जाओ पूरी तरीके से। हम सब दुआ करेंगे आपके लिए, ठीक है? आप हिम्मत मत हारो और उसको जाने दो, आप भी ब्लॉक कर दो, ठीक है? उसने आपको ब्लॉक कर दिया ना इतना सुनने के बाद, आप भी उसको ब्लॉक कर दो हर जगह से। पैसा पैसा ही लाइफ में सब कुछ नहीं होता गाइस, इंसान को अहमियत देनी, पता नहीं आज के टाइम में हो क्या रहा है। मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा कि जिसके पास पैसा है उसी के पास इंसान जाता है, कि भाई पैसा तो उसके पास है, लेकिन क्या है कि पब्लिक उसके पीछे ही पागल हो जाती है। जो इंसान अच्छा है ना और उसके पास पैसा नहीं है, तो पता है उसे क्या, उसे कोई अहमियत ही नहीं देता, चाहे वो इंसान कितना ही अच्छा। किसी के पास पैसा है तो भाई ये तो राजा है, महाराजा है, अच्छा इंसान है, और उसके पास ऐसे जाएंगे जैसे वो पता नहीं कितने गांव का राजा है। बस मैं तो इतना ही कहती हूँ कि सब कुछ पैसा नहीं होता ज़िंदगी में, इंसान होने भी अच्छे होते हैं ज़िंदगी में। इंसान अच्छे हो ना तो वही ज़रूरी होता है, पैसा ज़रूरी नहीं होता, हर जगह पैसा काम नहीं आता। तो भैया प्लीज़, आप वीडियो देख रहे हो, आप खुश रहो, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाओ जल्दी से, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। और उस लड़की के लिए अगर आप ठीक होगे तो एक तमाचा लगा लो अच्छे से, कहीं मिल जाए आपको, ठीक है? और देखो भैया कितनी अच्छी है, उस लड़की का मुझे नाम तक भी नहीं बताया, और ना ही उसको मतलब कितनी इज्जत करते हैं उसकी, ना तो उसका नाम मतलब मुझे बताया कि वो यहाँ की है, उनकी कुछ नहीं। भैया आप कितने अच्छे हो सच में, उसे आपको खो के ना एक दिन बहुत ज़्यादा पछताना है, ये बात पक्का है। तो गाइस अगर इनकी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक एक कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी लव स्टोरी जो कि प्यार के जाल में ज़्यादा फंसे ना, छोटे प्यार की बस एक ही निशानी होती है, बताऊँ क्या? जो आपसे गिफ्ट और पैसे को देख के प्यार करे ना, वो प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जो आपको नॉर्मली मतलब नेचुरल देख, मतलब कि आपके पास कुछ नहीं है तब भी आपको प्यार कर रही है वो इंसान, या वो मतलब मैं लड़के को नहीं कह रही, मैं लड़कों को भी कह रही हूँ, लड़कों की या लड़कियों की बस ये है कि लड़की तो चलो पैसे दे के प्यार करती है, लेकिन लड़के अगर ये कहें कि लड़कियों से मुझे मिलना है तुमसे, यहाँ वहाँ, तो ये भी प्यार व्यार नहीं है। प्यार बस प्यार होता है जो कि उसकी पहचान इतनी जल्दी करना भी आसान नहीं होता, उसके जाल में फंसना आसान हो जाता है, लेकिन उसकी पहचान करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
जो वो कर नहीं पाते, ऐसे एक सुरोग में फंस के रह जाते हैं सच में। गाइस प्लीज वीडियो को कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और भैया के लिए एक कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। और भैया के लिए प्रार्थना करना कि भैया जल्दी से ठीक